तभी तो रसिक जनों ने बार बार ये बात कही, विवेक भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भूवि भावुका। किस रस को भावुक होके पीते रहो प्यारे, स्वर्ग में भागवत नहीं है, वैकुंठ में भी भागवत नहीं है, मृत्युलोक में मानव के प्राणों का संचार करने के लिए, प्राणों में मानो प्राणवायु को डालने में सामर्थ्यवान केवल ये भागवत है प्यारे, केवल ये भागवत है। अनेकों अनेक महिमाएं श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेकों अनेक ग्रंथों ने गाई। 18 पुराणों में सभी पुराणों ने भागवत की महिमा गाई। पद्म हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म वैवर्त हो, अन्य जितने भी पुराण हैं सब में भागवत की महिमा गाई गई। शिरोमणि है ये सदग्रंथ। 12 स्कंद, द्वादश स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, कितनी विस्तृत व्याख्या की होगी इस सदग्रंथ के विषय में। महिमा गाई भागवत की। कैसी गाई होगी? सर्वाश्रमाभिगमनम् सर्वतीर्थावगाहनम् न तथा पावनम् ऋणा श्रीमद्भागवतम् यथा। कि मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्यों का, आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कार्य नहीं है कि जीवन में हमने कितना ही पुण्य कर लिया हो। यज्ञ जप नियम ध्यान निधि ध्यासन साधना धारणा ध्यान और वहां तो समाधि तक की स्थिति बतलाई गई धर्मशास्त्रों में। कहा सब कुछ कर लेना एक तरफ है प्यारे, ये सब कुछ कर लेना एक तरफ है और भागवत को सुन लेना, भागवत को श्रवण कर लेना इससे भी बड़ा माना गया। श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल नेति नेति कह दिया धर्मशास्त्रों में भी, नेति नेति कह दिया। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम् भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम् गौर्यथा सुतवत्सलः। बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही कि भगवान कहते हैं जहां जहां मेरी भागवत कथा होती है। भागवत किसकी है? कहा भगवान की। जहां जहां मेरी कथा होती है ना, वहां वहां मैं उसी प्रकार दौड़ा चला जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे दौड़ती है। मां दौड़ती है पुत्र के लिए कि हे पुत्र आ आ, मैं तुझे दूध का पान करा दू, आ मैं तेरी भूख मिटा दू, मैं तेरी प्यास मिटा दू। कहा प्यारे वो जीवन की आपके भौतिक प्यास हो सकती है, भौतिक भूख हो सकती है, परंतु आध्यात्मिक भूख और आध्यात्मिक प्यास को मिटाने में सामर्थ्यवान केवल ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, केवल ये भागवत महापुराण है। इसीलिए तो इसकी महिमा बार बार गाई गई, बार बार गाई गई। रसिक लिखते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है और जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है,
दोनों की व्याख्या गाई गई महाराज, दोनों का गुण गाया गया। कहने वाले से बड़ा सुनने वाला है कि प्यारे भागवत में लिख दी ये बात कि जो सदा मेरी कथा कहता है और जो सदा उस कथा को सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, मेरी कथा से जो मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता, उस मानव का मैं कभी त्याग नहीं करता। दुनिया के झूठे आडंबरों में, दुनिया के झूठी तृष्णाओं में हम अपने मन को लगाते हैं प्यारे, परंतु जिसने अपने मन को बुद्धि सहित परमात्मा के चरणों में लगा दिया, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, अरे ठाकुर फिर मेरा ही क्या है, फिर मेरा ही क्या है, जब मैंने तुझे अपना मान ही लिया, तेरी कथा को ही मैंने शिरोधार्य कर लिया, फिर जीवन में अनन्य मुझे कहीं जाने की क्या आवश्यकता। धर्म कहता है एक लाठी सहारा होती है, हजारों लाठियां बोझ बन जाया करती हैं मेरे प्यारे। सहारा बनाओ तो केवल कृष्ण नाम का, आश्रय लो तो केवल कृष्ण नाम का। हजारों लाठियों का सहारा लेने वाला, हाँ दो नावों में पांव रख के चलने वाला डूबेगा ही प्यारे, तरेगा तो वो केवल वही जिसने कृष्ण नाम की नैया में सवार होके अपने जीवन को व्यभिचारों से मुक्त करते हुए परम धन्य कर लिया, परम पवित्र कर लिया, जिसने अपने जीवन को कृष्ण तत्व में लगा लिया, वही तो धन्य है, वही तो पवित्र है। उसकी कीर्ति अमर है, उसका नाम अमर है, जिसने कृष्ण को जीवन में शिरोधार्य कर लियो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं कि प्यारे वो महाभाग गोपियां कहती हैं, रे कृष्ण तू ही तो मेरे जीवन का आधार है। गोपियों ने कृष्ण को जीवन का आधार माना और पाया कृष्ण को, गोपियों ने पाया कि प्यारे उद्धव संदेश देते हैं गोपियों को कि हे गोपियों वो ब्रह्म है। फिर वो गोपियां कहती हैं, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। रे ठाकुर तेरे लिए कितने दुख सहे होंगे, दुनिया दुख सह सकती है प्यारे, दुनिया दुख सहती है किसके लिए, भौतिक जगत के लिए, परंतु जो कृष्ण के लिए दुख सहता है ना, जिसने कृष्ण को ही जीवन का परम सुख मान लिया, कृष्ण के वियोग को ही जीवन का सबसे बड़ा दुख मान लिया, प्यारे बस समझ लेना उससे बड़ा सौभाग्यशाली जीवन में दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाकी दुख भौतिक हो सकते हैं, कोई देह के दुख से दुखी है, कोई भौतिक दुख से दुखी है, कोई दैविक दुख से दुखी है, परंतु दुख मानना तो जीवन में केवल इस बात का कि मेरे जीवन से भगवान की कथा कैसे निकल गई, मेरे जीवन से कृष्ण तत्व कैसे निकल गया, मेरे जीवन से कृष्ण नाम कैसे निकल गया। दुख मानना तो इस बात का मानना प्यारे, और सहन करना पड़ता है भक्ति मार्ग में, बहुत सुनना पड़ता है प्यारे। दुनिया न जाने आपको क्या क्या कहेगी, दुनिया जब घर से चलते हैं ना हम, अगर किसी संसार के कार्य के लिए चलते हैं तो संसारी बड़े प्रसन्न होते हैं, पर अगर कोई भगवान का रसिक, भगवान का प्यारा, भगवान की कथा सुनने के लिए जाता है ना, उसको ताने बड़े पड़ते हैं प्यारे, उसको बड़ा सहन करना पड़ता है, आसान नहीं है भक्ति पथ। परंतु भक्त इसकी परवाह नहीं करते, भक्ति पथ पर चलने वाले दुनिया से नहीं डरते, सर जाए तो जाए बेशक वो शिकवा कभी ना करते, तेरे हवाले कर दी ठाकुर हमने अपनी कश्ती, पिला दे ओ साकी तू राधा नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी तू कृष्ण नाम की मस्ती।
डर किस बात का प्यारे? हाँ हाँ हाँ, कई बार ये पंक्तियां अपने आप ही वाणी पे हाँ स्वतः जाती हैं। हाँ, भक्त को बड़े ताने सहने पड़ते हैं प्यारे। रसिक ने लिखी पंक्तियां, तेरे लिए मैंने तेरे लिए रे ठाकुर, तेरे लिए मैंने तेरे लिए ओ मैंने लाखों की मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, लाखों के बोल सहे तेरे लिए, तेरे लिए मैंने तेरे लिए, तेरे लिए मैंने तेरे लिए, तेरे लिए प्यारे तेरे लिए, तेरे लिए प्यारे तेरे लिए, मैंने लाखों के मैंने लाखों गाइए दोनों हाथ ऊपर उठा। देखी जब से सुर तुम्हारी, 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 दीवानी भई कृष्ण तुम्हारी, दीवानी भई कृष्ण तुम्हारी, दीवानी भई श्याम तुम्हारी, दीवानी भई श्याम तुम्हारी, मेरे नैनों से मेरे नैनों से नीर बहे सांवरिया तेरे लिए, मेरे नैनों से नीर बहे सांवरिया तेरे लिए, मेरे नैनों तेरे लिए,
ठोकरें मिलती हैं ना, बस मेरे ठाकुर भी उसी को मिलते हैं। ठोकर खाने वाले को ही ठाकुर मिलते हैं, तभी तो वो भक्त कहता है कृष्ण प्रेम में मीरा दीवानी है गई। दुनिया ने न जाने क्या क्या ताने दिए, फिर भक्त क्या कहता है, घर अंगना मोहे सुहावे, घर अंगना मोहे सुहावे, घर अंगना मोहे सुहावे, घर अंगना मोहे सुहावे, दुनियादारी अब नहीं भावे, दुनियादारी अब नहीं भावे, दुनियादारी अब नहीं भावे, राधा चरणों से, राधा चरणों से सोर जुड़े सावरिया तेरे, राधा चरणों चरणों से दोर जुड़े सावरियों तेरे लिए, राधा चरणों से दोर जुड़े सावरियों तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल से सावरियों तेरे लिए, मैंने लाखों सहने के बाद भी भक्त की क्या स्थिति है, दिल में बसे हो मुरली मनोहरे, 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 जन्म जन्म की धरो है, जन्म जन्म की मेरी धरो है, जन्म जन्म की मेरी धरो है, जन्म जन्म की मेरी धरो है, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में प्रीति है सावरियों ने, तेरे चरणों तेरे चरण
तेरे लिए प्यार तेरे लिए मैंने लाखों के मैंने लाखों के प्यार सहे सावरियों मेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सावरियों मेरे लिए मैंने लाखों प्रीति लगा के भूल न जाना ए सांवरिया अगर इतनी प्रीति तेरे चरणों में लगी है ना तो भक्त को भूलना मत हो मीरा अपने भाव से कहती है भक्त अपने भाव से कहता है वो गोपी अपने भाव से कहती है प्रीति लगा के भूल न जाना जा रहे थे छोड़ के ठाकुर गोपियों को ब्रज गोपों को मथुरा की ओर फिर वो गोपियां कहती हैं वो गोप कहते हैं जाते हो तो जल्दी ठाकुर तेरी प्रतीक्षा करेंगे हम हमें विश्वास है तू आएगा हमें विश्वास है प्रीति लगा के भूल न जाना ए जाते हो तो जल्दी आना मेरी प्रीति बनी ही रहे एक नहीं मेरी प्रीति बनी ही रहे सांवरिया तेरे लिए मैंने प्रीति दुनिया से नहीं लगाई ठाकुर मेरी प्रीति तो तेरे चरणों से लग गई ओ मेरी प्रीति बनी ही रहे सांवरिया तेरे लिए दुनिया को न जाने कौन कौन से रंग भाते हैं प्यारे मुझे तो वो श्याम रंग भा गया मुझे तो वो कृष्ण रंग भा गया वो काला ही मुझे प्यारा है वो काला ही मुझे प्यारा है वो सांवरा ही मुझे प्यारा है मुझे दुनिया से क्या लेना मुझे दुनिया से क्या लेना अब भक्त की ये स्थिति बताई गई प्यारे महात्म में भगवान नाम का महात्म्य इस भागवत का भगवान कहते हैं
अगर मेरे नाम से इतना प्रेम हो जाए किसी जीव को, भागवत से अगर किसी को इतना प्रेम हो जाए प्यारे, विलक्षण प्रेम है भागवत का। उत्तर रामचरित में बहुभूति दूसरे सर्ग के 19वें श्लोक में कहते हैं, न किंचिदपि कुर्वाणः सुखैर् दुःखान्यपोहति ततस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रयोजनः। कि जीवन के सुख दुख में जो समान रहे, सुख दुख में अद्वैत, समस्त अवस्थाओं में जो अनुकूल रहे, वार्धक्य भी जिसके आनंद को कम ना कर सके, वास्तव में जीव का भगवान के प्रति वही सच्चा प्रेम है। छिन्न में चढ़े छिन्न में उतरे वो मस्ती भी क्या मस्ती, जीवन में अगर एक बार जो चढ़ गई और फिर वो कभी ना उतरे, वास्तव में असली मस्ती तो वही है मेरे प्यारे। चढ़ के जो उतर गई है वो मस्ती क्या मस्ती हो सकती है। शाम को चढ़ी सुबह उतर गई, वो मस्ती मस्ती नहीं हो सकती, मस्ती तो केवल एक है और उस मस्ती की भी हस्ती है। कहा प्यारे, डूबना ही है अगर तो फिर कृष्ण रंग में डूब जाओ, बाकी रंग तो फिर फीके पड़ जावे, कृष्ण रंग ही जीवन में चढ़ेगा और जिस पे चढ़ गयो उसके ऊपर से फिर कभी ना उतरे। तभी तो महात्म्य में गाया गया, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाहं रास्तेव ये अर्चयन्ति सदा मम। कितना मीठा महात्म्य है भागवत का। भगवान कहते हैं जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। स्वयं प्रहलाद करताल लेके वहां खड़े हो जाते हैं प्यारे। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से विलग हो जाते हैं, उनके ऊपर फिर कली का अधिकार नहीं होता। कलयुग किसके ऊपर आता है? कहा जिसका मन संसार में रमण करता है, परंतु जिसका मन हरि भक्ति में रमण करता है, जिसका मन कृष्ण नाम में रमण करता है, उसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। कहा क्या होगा भागवत सुन के? कहा प्यारे, ये जो 4 घंटे हैं ना कथा के, जीवन में कम से कम दिन के ये 4 घंटे तो, कम से कम इन 4 घंटों में तो हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, कम से कम इन 4 घंटों में तो हम आत्म चिंतन कर ही लेंगे, यहां बैठ के आत्मा का जो चिंतन कराए बस वही भागवत है प्यारे। वहां पे भागवत में कहा गया आत्मा का पुत्र कौन है? यह आत्मा तो जायते स ज्ञान, आत्मा का पुत्र ज्ञान है प्यारे। और वहां पे यहां पे भागवत में भी बतलाया गया भक्ति महारानी के भी 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आत्मा का जब इस आत्मा का वास्तविक स्वरूप निकलता है तो वो ज्ञान के रूप में निकलता है। ज्ञान यही धत्वात, जानने अर्थ में। और जानना किसको है? कहा स्वयं को जानना है। हम दुनिया को जानने के लिए चल पड़ते हैं, दुनिया के आडंबरों में हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं प्यारे। कहते हैं भगवान के कार्य में बहुत आकर्षण नहीं होते और दुनिया के कार्य आकर्षणों से भरे पड़े हैं। दुनियावी आकर्षणों के परिणाम कभी अच्छे नहीं हो सकते, परंतु भगवान नाम के कार्य के परिणाम सदा ही अच्छे होते हैं। इसलिए महात्म्य में गाया गया, ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतौ भवाम्यहम्। जो कलयुग में अपने घर पर नित्य नियम से भागवत पढ़ता है, अब तो भागवत बड़ी सुलभ हो गई प्यारे, अब तो भागवत मिलती ही रहती है कहीं ना कहीं।
परंतु ये सप्ताह जो चलते हैं ना, इन सप्ताहों के बीच में भी आपको अगर कोई समय खाली मिल जाए ना, जैसे ही सप्ताह संपूर्ण होवे उसी समय भागवत को पकड़ लो, भागवत के शरणागत रहो, उससे विलग कभी मत होना, उससे अलग कभी मत होना। जो कलयुग में अपने घर पर नित नियम से हाँ यहाँ सुनो तो सुनो, परंतु अपने घर जाके भी भागवत को पढ़ो, प्रसन्न रहते हैं भगवान, प्रसन्न रहते हैं। और पितरों के निमित्त हाँ अभी भागवत जो कथाएं बहुत बार ये श्रवण करने में आता है, सुनने में आता है कि भागवत कथा बड़े से बड़े प्रेत को भी मुक्त कर देती है, बड़े से बड़े प्रेत को भी मानो वो देवतुल्य बना देती है। तभी भागवत में गाया गया, यावत दिनानि पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पीतर क्षीरम सर्पे मधुदकम। यावत दिनानि पुत्र, यहां पर तो कहा गया जितने दिन तक इस भागवत कथा को सुना जाता है, करवाया जाता है, निमित्त परिवार जो कथा करवा रहा है या कहीं पर भी भागवत कथा का समायोजन हुए, जितने दिन तक कथा करवाई जाए कहते हैं उतने कल्प वर्षों तक हमारे पितृ घी और शहद का पान करते हैं। पितरों के लिए सबसे बढ़िया भोजन आहार क्या है? घृतवा मधु क्षीरम मधुम कि प्यारे वो दूध और मधु, घृत कह लो या इसको आप कह सकते हो दुग्ध, क्षीरम सर्पिर मधुदकम, दूध और शहद का पान करते हैं पितर प्यारे। इतनी पवित्र महिमा है भागवत महापुराण की, इसलिए कहते हैं कि मानव को अपने जीवन में येन केन प्रकारेण भागवत के शरणागत होना चाहिए। कथम सा वैष्णवो गेय शास्त्रम भागवतम कलु गृहेनातिष्ठते यशेष अश्वपचादधिको हि सः। हम सनातनी कहते हैं अपने आप को, परंतु सच्चे सनातनी कब बनेंगे? सच्चे सनातनी तो हम तब बनेंगे कि जो घर में हमने रामायण भागवत रख रखी, रख तो सबने रखी होंगी परंतु रखी रखी के ऊपर जाले लग गए, कभी खोल के नहीं देखा कि प्यारे वो जो घर में सदग्रंथ रखे हैं ना, उनको साफ करके नित प्रति नियम से एकाद चौपाई मानस की, एकाद श्लोक भागवत जी का और अन्य अन्य जो पुराण घर में रख रखे हैं उनको खोल के एकाद बार दिन में पढ़ लेना चाहिए। क्या होगा इससे प्यारे कि कहते हैं इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, यहाँ पे तो कहा गया कि जिसके घर में ही शास्त्र नहीं प्यारे उसे वैष्णव कैसे समझा जाए, वो तो साक्षात चांडाल के तुल्य है। जहां सदग्रंथ नहीं गाएं गंगा और गीता, कहते हैं गाएं गंगा गीता और गायत्री, जिसके जीवन में ये चार नहीं वो वैष्णव कैसे हो सकता है? अर्थात गौ सेवा का परिकल्प, गंगा का समायोजन, गंगा जल हर घर में होवे, गीता सुगीता कि मन शास्त्रम कि प्यारे गीता हर घर में हो, गायत्री का पाठ नित नियम से घरों में होवे, वहां पर दरिद्रता कैसे आ सकती है? इन चारों का समायोजन घर में होवे, नित नियम से हम सदग्रंथों की पालना करें, यही हमारा वैष्णव होने का परिचय हो सकता है, यही हमारा भक्त होने का परिचय हो सकता है।
नियम क्या है? कहा हर वैष्णव के माथे के ऊपर तिलक होना चाहिए, गले में घंटी होनी चाहिए, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं जो बिना नंबरों वाले होते हैं, उनको काट दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, और जो नंबरों वाले होते हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता। सनातनी है हम तो, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हरि नाम की माला, ये जीवन का आधार हो प्यारे, यही सब चरित्र हमारे राष्ट्र का बनेगा, हमारे राष्ट्र के युवाओं का बनेगा। अगर कहते हैं अगर किसी राष्ट्र की राष्ट्र को समाप्त करना हो ना, उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो। और हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है गौ पालना, हमारी संस्कृति है गंगा, हमारी संस्कृति है गायत्री, हमारी संस्कृति है यमुना। जीवन में जब तक ये रहे तब तक हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। क्या महत्व है गंगा जल का, क्या महत्व है गायत्री का, क्या महत्व है गीता का, क्या महत्व है भागवत का। जब तक युवा इस बात को नहीं जानेंगे तब तक धर्म कहां से पैदा होगा। इसलिए युवाओं में चेतना का संचार होना परम आवश्यक है प्यारे। कैसे उसे वैष्णव मान लिया जाए, कैसे उसे सनातनी मान लिया जाए, जिसके घर में धर्म ग्रंथ ही नहीं है। इसलिए प्यारे जीवन में इनका समायोजन होना परम आवश्यक है। महिमा गाएगी भागवत की, और प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिनी। भगवान के सुंदर स्वरूप को प्रणाम किया गया प्यारे, और श्लोक गाया गया, श्लोक गाया गया भागवत के प्रारंभ का। कि भागवत की महिमा स्वयं भागवत ने नहीं गाई, अनन्य पुराणों ने गाई। अपनी प्रशंसा खुद करे कोई तो वो प्रशंसा थोड़ी हो सकती है, जब आपकी प्रशंसा कोई और करे वास्तव में तब आप प्रशंसनीय हो सकते हैं। भागवत ने अपनी महिमा नहीं गाई, अन्य अन्य ग्रंथों ने भागवत की महिमा गाई। प्रारंभ हुआ, अभी तक तो महिमा चल रही थी, प्रारंभ हुआ। कैसे प्रारंभ हुआ? आइए हाथ जोड़ के अपने भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रथम श्लोक भगवान के सुंदर स्वरूप का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं किसी मानव का परिचय उसकी तीन बातों से होता है। बड़ा प्यारा श्लोक है कि उसका स्वरूप कैसा है। पहली बात, वो देखने में कैसा है। दूसरे, उसका सामर्थ्य क्या है, वो क्या कर सकता है। और तीसरे, उसका स्वभाव कैसा है, कड़वा है मीठा है, क्रोध वाला है या शांत रहने वाला है। या इस बात को हम यूं समझ लें कि माता पिता को अपनी कन्या के लिए वर की तलाश है। वर कैसा होवे माता पिता की दृष्टि में, वर कैसा होवे। एक माता पिता को अपनी कन्या के लिए वर देखना है तो प्यारे संसारी कैसा वर देखे, और आध्यात्मिक जगत का जीव कैसा वर देखे। कहा प्यारे
हमारी भी एक कन्या है, भीष्म पितामह कहते हैं ये बात भागवत में कि प्रभु जिस समय मरणासन पे है ना भीष्म पितामह, उस समय गोविंद सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरी कन्या है, मेरी एक कन्या है जिसका विवाह मैं आपके चरणों से करना चाहता हूं। समस्त पांडव चंबित हैं खड़े हुए, आश्चर्यचकित हैं, ये बाल ब्रह्मचारी है, इनके कन्या कहां से हुई? भीष्म पितामह की ओर सब बड़ी आर्त भाव से आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं हे गोविंद मेरी कन्या है मेरी ये बुद्धि धी, और इस कन्या का विवाह मैं आपके चरणों से करना चाहता हूं। ये बुद्धि है ना बड़ी तेज दौड़ती है, इसके संशय, इसके संशय बहुत है प्यारे, भगवान कहाँ है, भगवान कैसा है, क्या है भगवान, भगवान का सामर्थ्य क्या है, ये किसका विषय है? कहा प्यारे ये विषय है बुद्धि का। इसलिए भीष्म पितामह आज कहते हैं प्रभु मेरी कन्या है मेरी ये बुद्धि जिसका विवाह मैं आपके चरणों से करना चाहता हूं। प्यारे मानव को भी अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह भगवान के चरणों से करना चाहिए। तो वर कैसा होवे? वर बताया बुद्धि रूपी कन्या के लिए प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर सत्चित आनंद, ये तीन शब्द बोले गए। कहा जिसको देख के सत्चित को आनंद आ जावे। स्वरूप कैसा होवे? सबसे पहले क्या भाता है कि वर देखने में कैसा है, सुंदर है कि नहीं। कहा प्यारे दुनिया की नजर बाहरी सुंदरता को देखती है, परंतु जो पारखी होता है वो अंतःकरण की सुंदरता को भी देख लेता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हुआ करती, परंतु उसके गुणों को, जो सोना होता है ना उसके गुणों को बस जोहरी जानता है। इसलिए वर देखने गए प्यारे, सबसे पहले क्या देखा कि देखने में कैसा है? कहा महाराज बड़ा सुंदर है, देख के सत्चित को आनंद आ गयो, चित को आनंद दे दे प्यारे, वो केवल मेरा कृष्ण हो सकता है। लेकिन महापुरुषों ने महिम कि कृष्ण को देख के तृष्णा मिट जावे, ऐसे सुंदर है मेरे भगवान। बड़ा पुराना और बड़ा प्यारा भाव है, उसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारण तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारण हारा, तुम्हारा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर
वो कितना सुंदर होगा। सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम की प्यारे, चाहे उन्हें तुम कृष्ण कह लो चाहे उन्हें तुम राम कह लो, उनसे सुंदर दूसरा और कौन हो सकता है। बड़ी सुंदर छवि है मेरे सांवरे की। ओ प्यारे कहा वर तो बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, सामर्थ्य क्या है उसका, वो कर क्या सकता है, काम क्या करता है। कहा महाराज कुछ कारोबार भी अच्छा होवे तभी तो कन्या देवे, संसारी सोचता है। आध्यात्मिक जीव की बुद्धि कहती है कि प्यारे उस भगवान का सामर्थ्य क्या है,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करता है, सृजन पालन व संहार तीनों उसकी गोद में पलते हैं, खेलते हैं प्यारे, हाँ तीनों उसकी गोद में खेलते हैं। वो जन्म देना भी जानता है, वो पालना भी जानता है, और जब उसका मन भर जाए वो संहार करना भी जानता है। सुनार के पास सोने की ईंट है, तोड़ तोड़ के उसमें से कितने सारे गहने बना देता है, और जब मन भर जावे फिर उन गहनों को इकट्ठा करके ईंट बना देवे। परमात्मा के पास भी हमारे और आप जैसे न जाने कितने गहने, तोड़ तोड़ के हमें बनाया, जब मन किया भर गया खेल के मन, तो फिर से इकट्ठा कर दिया, फिर से प्रलय कर दिया। यही मेरे परमात्मा का कार्य है, वो बनाते हैं, वो पालते हैं, वो बिगाड़ते भी हैं। जब दोष पैदा हो जाता है, भगवान कहते हैं कि प्यारे मेरी बनाई हुई वस्तु में अगर दोष पैदा हो गया तो फिर मैं ही उसको समाप्त कर देता हूं। छह ही तो स्थितियां हैं इस मानव देह की। संकल्प होता है माता पिता का, धारणा होती है, जन्म होता है, वर्धन होता है, बढ़ना होता है, अपक्षीयते फिर घटना होता है, अंततः विनश्यते, एक दिन इस देह की समाप्ति हो जाती है। एक दिन तो वो आता है प्यारे, संसार में जो रमण करता है उसके लिए दुनिया, वो दुनिया से रोता जाता है, और जो हरि नाम में रमण करता है वो दुनिया से हंसता जाता है। इसलिए कहा गया संसारी का मरना दुखदाई है, संत का जाना, कहा कि संत जाता हुआ भी सुख दे के जाता है, संसारी दुखों में रहता हुआ दुखों में ही जाता है प्यारे। इसलिए क्यों ना फिर इस मन को ही संत मन बना लिया जावे। इसलिए प्यारे कहा वो भगवान पैदा भी करते हैं, वो पालते भी हैं, और जब मन भर जाए तो वो संहार भी कर देते हैं। और कहा प्यारे सामर्थ्य इतना बड़ा है तो स्वभाव कैसा होगा। अब कन्या के लिए वर देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ज्यादा गुस्से वाला तो नहीं, बाद में तंग करेगा महाराजा, इसलिए ढूंढते हैं कि कोई अच्छे स्वभाव वाला मिल जावे। तो क्या होता है कि प्यारे यहां भी ढूंढने गए, वैसे एक सच्ची बात बताऊं आपको, दुनिया कह देती है कई बार कि महाराज ये बड़े गुस्से वाला है, बड़े गुस्से वाला है महाराज, बात बात पे गुस्सा आता है, ना जाने क्या उठा के मार दे, क्या भरोसा। परंतु किसी भी व्यक्ति का स्वभाव सदा गुस्से वाला नहीं हो सकता। जल को अग्नि के ऊपर रख दो, वो पक पक के गर्म हो जाता है, और जब अग्नि से उतार के नीचे रखो तो एक घंटे दो घंटे में जल फिर से शीतल हो जाता है। जल का स्वभाव शीत स्पर्शवानापः, जल का स्वभाव शीतलता ही है, मानव का स्वभाव भी शीतलता ही है, शीतलता ही मानव का स्वभाव है और होना भी चाहिए प्यारे। इसलिए वर ढूंढा, भक्त ने अपने भगवान को वर माना, कहा स्वभाव कैसा है, कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। त्रिताप मानव देह के, कहा कौन कौन से ताप महाराज, कहा दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक किसी से पूछा कि एक माता कथा में आती थी, पूछा एक दिन हमने वो ऊपर कुर्सी पे बैठती, कहा माता कौन सा दुख है कुर्सी पे बैठती हो तुम, कहा महाराज देह का दुख है, ये घुटने काम नहीं करते, ये घुटने काम नहीं करते, कैसे बैठूं नीचे। कि प्यारे देह का दुख चाहा नहीं था हमने आ गया,
किसने सोचा था कि जीवन में मेरे ये दुख आएगा, परंतु आ गया। दुख कह के नहीं आता। दूसरा दुख दैविक, कि कौन सा कष्ट जीवन में आन पड़े कब, इस बात को केवल परमात्मा जाने प्यारे। और तीसरा दुख जो हमने स्वयं के लिए स्वयं पाल रखा है, वो दुख है भौतिक दुख। आज का मानव अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, परंतु दूसरे के सुख से वो थोड़ा ज्यादा दुखी हो जाता है। यही तो उस मानव के मूल दुख का कारण है। ये दुख कौन सा है? भौतिक दुख है। प्रतिस्पर्धा में मानव जीता है और यही उसके दुख का कारण है। इसलिए प्यारे, ये जो तीन प्रकार के दुख है ना, इन तीनों प्रकार के दुखों का समूल नाश करने में केवल मेरे कृष्ण नाम का ही आश्रय है, जो इन तीनों दुखों को दूर कर सकता है। तापत्रय विनाशाय, कृष्ण नाम की नैया में जो स्वार हो गया ना, उसके तीनों दुख चले जावे। देह का दुख भी, दैवीय दुख भी और भौतिक दुख भी। इसलिए क्यों ना फिर प्यारे ऐसी कृष्ण रूपी नाव में हम सवार हो जाएं, क्यों ना सवार हो जाएं। तभी तो कहा कि महाराज देखने में भी वर बड़ा सुंदर है, काम भी बड़ा अच्छा करता है, स्वभाव भी बहुत बढ़िया है, तो क्यों नहीं फिर ऐसे ही वर को अपना लिया जावे। तभी कहा गया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। करके कसूर माफ, मेरे दुख को भुला दिया है, किस देवता ने आज मेरे मन को चुरा लिया है। कि प्यारे, कृष्ण से दयालु देवता दुनिया में कौन हो सकता है। और यहां पर तो ऐसे सुंदर वर को देख के साक्षात अपना लेने का मन करता है, मन स्वतः कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। तभी तो फिर कह दिया कि ऐसे दुखों के विनाश करने वाले भगवान को केवल एक कृष्ण को ही नहीं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, कि हम सब केवल कृष्ण को नहीं, दोनों को प्रणाम करते हैं। वयम हम दोनों, किनको? दोनों को। किसको कहा? राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन में एकल भगवान की कहीं उपासना नहीं। कलयुग में तो एकल बड़े सारे भगवान आ गए हैं आजकल, परंतु सनातन में युगल छवि की ही उपासना बतलाई गई। आप देख लो भगवान के अवतारों में, वाराह का मंदिर देखा अपने कहीं ज्यादा, कहीं नरसिंह का देखा, कच्छप का देखा नहीं, देखे ना, परंतु सीताराम के तो देखे होंगे, शिव पार्वती के तो देखे होंगे, और राधा कृष्ण के तो हर रोज देखते हो। सनातन में युगल स्वरूप की उपासना है। कृष्ण प्रेममय राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्णो गतिर मम। इन दोनों के चरणों में ही मेरे जीवन की गति है जाए, मेरी मति मेरी रति कृष्ण चरणों में लग जाए, यही मेरे जीवन का सदाधार होना चाहिए प्यारे। रति और मति सब भगवान के चरणों में लग जाए प्यारे, बस वही जीवन का आधार होवे। इसलिए प्रथम श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ सतगुरुदेव ने बताया है, और दूसरे श्लोक में प्रणाम किया किनको? भगवान की कथा को सुनाने वाले को, श्री सुखदेव जी भगवान को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तम् मनुपेतम् पेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्ण्या जुहाव पुत्रेति तन्मयताम्। कि प्यारे,
यम प्रवृजंतम अनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायन विरह गातराजु हावा पुत्रेति तन्मय दयातर वो विने दुतम तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। परिव्राजक हैं जो बाल्य काल से अनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायन विरह गातर कृष्ण द्वैपायन के ये पुत्र हैं, विरह हैं, कातर हैं, दिशाएं हैं जिनके वस्त्र बन गई हैं। बाल्यकाल से ही जो केवल हरि नाम में रमण करते हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सुखदेव जी को प्रणाम किया दूसरी श्लोक में और भागवत में कहते हैं प्रवेश हुआ कैसे। नैमिषे सुतम मासीनं विवाद्य महामतिम कथामृतरसा स्वादकुशलः शोनको अब्रवीत। प्रारंभ हुआ नैमिषारण्य में शोनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषे सूतमासीनं विवाद्य महामतिम। कौन है नैमिषारण्य में? कहा श्री सूत जी महाराज है। और कथामृत रसा स्वाद कुशल, कथा के रस को पान करने के लिए कथा के रसिक शोनक को अब्रवीत। शोनक आदि 88,000 ऋषि हैं महाराज, कथा के रसिक भगवान की कथा को सुनने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। नैमिष का अर्थ क्या है? नैमिष का अर्थ है एक पल। मेरे भगवान ने जब संतों ने कहा प्रभु हम भक्ति कहां पर करें, कोई जगह नहीं बची संसार में, भगवान ने अपना सुदर्शन चलाया, कहा जहां पर जाकर मेरे सुदर्शन ठहर जाएगा तुम वहीं पर बैठकर मेरी भक्ति कर।